नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, लेकिन निवेशकों के मन में इसे लेकर कई सवाल उठते रहते हैं और सही जवाब पाने की कोशिश में वो कई दफा उलझ जाते हैं। बस यही आपकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। सवाल चाहे पोर्टफोलियो के बारे में हो या फिर किसी खास तरह के फंड के बारे में हो, कोई भी उलझन, किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहीं और जाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। हम एकदम आसान शब्दों में आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हर सवाल के जवाब देंगे। बस आपको ये करना है कि हर दिन शाम में 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं शो, और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के शो में क्या खास है। आज आपको हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए फैट का कैसे करें आप अपडेट। किसी फंड में अगर निवेश रोकना चाहते हैं तो उसके पहले क्या क्या आपको देखना चाहिए, और नए निवेशकों के लिए डायरेक्ट प्लान सही है या फिर रेगुलर, इसकी हम डिटेल में जानकारी देंगे आज शो में। और आज ये सब बातें करने के लिए हमारे मौजूद हैं सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधे सवाल जवाब का सिलसिला। पहले हमारे दर्शक हैं कॉलर रौनक सुराना जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक जी नमस्ते। रौनक जी आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जब तक ये मेरे सहयोगी उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करे, तब तक जो इनका ईमेल आया था हम उस पर ज़रा बात शुरू करते हैं। उम्र इनकी है पूजा 29 साल, 19,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 स्कीम्स में। जानना ये चाहते हैं कि ये बेसिक सवाल सबका होता है कि भैया बढ़िया है कि नहीं है, रहूं या फिर निकल जाऊं। गोल्स लिखे हैं बहुत क्लियर, ये अच्छी बात है कि इनके जो गोल्स हैं वो क्लियर हैं। 1.5 करोड़ चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 साल में, फिर से चाहिए और 1.5 करोड़ अगले 27 साल में बच्चे की शादी के लिए, और 30 साल के बाद रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, तो उस वक्त इनको करीब करीब 5 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। और रौनक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक जी, चलिए आपका सवाल तो हमने पढ़ लिया है। आपने हमसे पूछा है कि आपका जो ये पोर्टफोलियो है वो कैसा है, उस पर आपको राय चाहिए, राइट? बिल्कुल, ओके। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। बताएं पूजा जी, पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है इनका? जी देखिए, सबसे पहले तो स्वाति मैं कहूँगी बहुत अच्छी तरीके से गोल को डिफाइन किया है। और हम हमेशा गोल डिफाइन दो तरीके से करते हैं, एक तो कितने समय बाद स्पेसिफिकली, जैसे इन्होंने मेंशन किया है 27 साल बाद या 30 साल बाद, गोल कौन से गोल के लिए कितने समय, और दूसरा अमाउंट के साथ। अमाउंट मैं कहूंगी, अमाउंट में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महंगाई दर को शामिल करना, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना। समझती हूँ मैं कि आपने इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया हुआ है आपके सारे। रौनक जी, आपने जो ये टारगेट रखा है अपने लक्ष्य के लिए कि 1.5 करोड़ या 5 करोड़, उसमें आपने महंगाई दर को फैक्टर इन किया है, इंक्लूड किया है? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए फिर ठीक है, ठीक है। रौनक, जो आपका पहला गोल है बच्चे के एडुकेशन के लिए, आप जो एक 1.5 करोड़ की राशि चाहते हैं 20 साल बाद, उसके लिए आपको 15,000 की SIP अलग से लगेगी। जो आपका दूसरा गोल है बच्चे की शादी का, जिसके लिए आपको 1.5 करोड़ की राशि चाहिए 27 साल बाद, उसके लिए आपको 3,500 की SIP लगेगी। और जो आपका तीसरा और आखिरी गोल आपने स्पेसिफाई किया है आपके खुद के रिटायरमेंट का, जो 30 साल बाद आने वाला है, 5 करोड़ की राशि आपने नक्की की है, उसके लिए आपको अभी से 7,500 की SIP लगेगी। अगर मैं तीनों चीज़ को काउंट करूँ तो उन्हें मिनिमम 26,000 की SIP लगेगी, और अभी 19,000 की, अभी से उनकी जो SIP उन्होंने चल रही है उनकी, वो 19,000 की है, क्योंकि SIP पिछले 2 साल से चल रही है। तो आप अभी से, आपको सिर्फ महज एक 5,000 की SIP को ऐड करने की जरूरत है, 7,000 की SIP को नहीं, क्योंकि वो 2,000 की SIP जो
कम पड़ रही थी वो 2 साल के उसमें हमने काउंट कर ली है. ओके, सो एडिशनल आपको एक 5,000 की SIP और लगेगी, तो आपके सारे के सारे गोल्स आप उस तक पहुंच पाएंगे. जो फंड्स की बात की जाए, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि काफी सारे फंड्स लिए हुए हैं, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो डाइवर्सिफिकेशन भी आपने अच्छा किया हुआ है, लेकिन आपने 2 लार्ज कैप लिया हुआ है और वो भी दोनों ब्लू चिप में निवेश किया हुआ है, एक ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप और एक एक्सिस ब्लू चिप. तो राशि देखा जाए 5,000 की SIP एक लार्ज कैप के लिए अच्छी राशि है. दोनों में आपने निवेश किया है फिलहाल, अगर क्योंकि 2 साल से चल रही है, आपको कंटिन्यू करना है तो आप दोनों में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. लेकिन आगे चलते सेम कैटेगरी की स्कीम्स में आप एडिशन ना करें, दूसरी कोई और स्कीम को लेके आके. इनके पास लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी है, स्मॉल कैप भी है जी, और एक मिड कैप भी है. तो इन्होंने करीब करीब सारी कैटेगरीज को तो टच कर कंसोलिडेट कर ही दिया है पूरा पोर्टफोलियो में. तो पोर्टफोलियो में और कोई चेंज लाने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है. इंटरनेशनल फंड है जो थीमेटिक सेक्टोरल की कैटेगरी में आएगा जी. नॉर्मली पूजा रौनक जी ने तो चलिए बाकी सब कुछ छू लिया है, उसके बाद उसमें शायद दिए गए हैं, 2 महीने पहले ही शुरू किया है जी. लेकिन जनरली जब कोई निवेशक, ऑफ लेटली मैंने 2-3 लोगों से बात की, कुछ दर्शकों से बात की, तो ये जो फंड है ICICI US ब्लू चिप, ये मुझे बहुतों के पोर्टफोलियो में दिख रहा है जी. किस स्टेज पे आपको थीमेटिक या सेक्टोरल ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, एक चीज मैं समझती हूँ कि ये नए निवेशक नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले से शुरुआत की है, प्लस इनकी जो समझ है अपने गोल्स को उन्होंने इन्फ्लेशन के साथ भी ऐड किया हुआ है, और पोर्टफोलियो का जो चॉइस है उसमें रिस्की फंड्स भी लिए हैं, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मल्टी कैप भी लिए हुए हैं. अब ये बात जो पिछले 2 महीने पहले इंटरनेशनल फंड को शामिल करना, इसके लिए मैं ये कहूंगी कि आप आपके पोर्टफोलियो में 10-15% से ज्यादा इंटरनेशनल फंड ना रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रिस्क है, 2 तरीके के रिस्क आ जाते हैं, एक टैक्सेशन जो डेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है, और दूसरा करेंसी का जो हमें मार पड़ती है, जैसे रुपी डिप्रिशिएट होती है तो NAV बढ़ती है, अप्रिशिएट होती है तो NAV डाउन जाती है. तो इन बातों के लिए आपको एक्टिवली रहना पड़ेगा, उस इंटरनेशनल फंड को देखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्स काफी लंबे समय के लिए हैं. हम कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने समय तक हम एक्टिवली नहीं देख सकते हैं. तो अगर आप एक्टिवली देख सकते हैं तो आप इस फंड को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क है इस फंड के साथ, लंबा समय है और आपकी एज भी यंग है, इसके लिए इस फंड को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसके लिए पैसिव अप्रोच ना रखें और एक एक्टिव अप्रोच रखें, मैं कहूंगी. और एक फंड का मैं स्विच करना चाहूंगी, जो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, उसकी जगह पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप DSP मिड कैप में स्विच कर लें. और इसकी वजह मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि ये परफॉर्मेंस वाइज HDFC मिड कैप उतना बुरा नहीं है, हालांकि जी अगर 10 साल का रिटर्न देखिए तो 10 साल 16% से ज्यादा का CAGR दिखा रहा है जी. नॉर्मली तो, हम एक 5 साल के आसपास का फंड परफॉर्मेंस देखते हैं. तो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बेंचमार्क रिटर्न होता है उसे बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फंड मैनेजर के लिए. वहां पे हमें समझ में आता है कि जो परिस्थिति है उसमें फंड मैनेजर की एक्टिव रोल क्या है. वो देखते हुए मुझे लगता है कि HDFC मिड कैप पिछले 5 साल में फंड को बीट, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है. तो उस वजह से मैं कहूंगी कि क्योंकि हमने 5 साल दे दिए हैं और अगर हम एक्टिव रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो का तो एवरी 5 ईयर हम एक एक्टिव स्टेप ले सकते हैं टूवर्ड्स कि अगर फंड से निकलना है और किसी और फंड में स्विच करना है तो इस बेसिस पे आप डेफिनेटली कर सकते हैं. तो HDFC मिड कैप से आप DSP मिड कैप में कर सकते हैं स्विच. और 2 फंड के ऊपर निगरानी रखनी है, एक ICICI US ब्लू चिप, हमने उसके बारे में बात की क्यों, और दूसरा L&T इमर्जिंग, क्योंकि स्मॉल कैप को अभी अभी तक नंबर्स दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हाल में पिछले 1.5-2 साल से जिस हिसाब से स्मॉल कैप्स नीचे हैं, तो आपको उसके ऊपर निगरानी रखनी है. और एडिशन जो 5,000 की SIP करनी है वो इन्हीं फंड्स में करने की जरूरत है, आप और ज्यादा फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल ना करें. तो रौनक जी, आपको जो करना है बता दिया गया, रिपीट कर दूं एक बार, आपको 2 फंड पे नजर रखनी है, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड जो एक स्मॉल कैप है, और ICICI US ब्लू चिप फंड. इसके अलावा मिड कैप जो आपके पास है HDFC मिड कैप,
उससे आप निकल के DSP मिड कैप को आप एक्सप्लोर देख सकते हैं, उसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा प्लीज़ फ़ंड ऐड मत कीजिएगा। आई थिंक 8 फंड आपके निवेश के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। अगला सवाल लेते हैं। एक ईमेल आया था हमारे पास पूजा, आशुतोष पांडे जी का। वो SIP शायद करने की कोशिश कर रहे थे एक्सिस और SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके, लेकिन वहाँ पर उनको जो मैसेज मिला वो है कि फैट का आपका अपडेट नहीं हुआ है फॉर कैम्स एंड कावी। तो अब इन्हें पता नहीं है कि कैसे अपडेट करते हैं, तो अपडेट कैसे करती है तो हम बाद में बता देंगे उनको। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये फैट का फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये किस बला का नाम है? जी देखिए, ये फटका जो है वो एक अग्रीमेंट है US गवर्नमेंट का काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री है, जिसमें उन्हें समझ में आए कि जो उनके नॉन रेसिडेंट्स हैं या रेसिडेंट्स हैं जो बाहर निवेश कर रहे हैं टैक्स बचाने के, वो टैक्स का उनका अकाउंटेबिलिटी किस हिसाब से है, इस वजह से हमें इस रूल में हम इसमें फॉलो कर रहे हैं कि हम जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें या बैंक में भी अकाउंट्स खोलते हैं अभी, तो फटका एक फॉर्मेलिटी है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो देना बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ बातें जो डिस्क्लोजर के तौर पे हैं उसमें एक है आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, नेशनलिटी, आपका ऑक्यूपेशन, आपका ग्रॉस एनुअल इनकम, अगर आप NRI है तो आपका TIN नंबर जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और आपका PAN नंबर। इन बेसिक डिटेल्स आपको बस मेंशन करनी है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और आपको फटका सबमिट करना है। नॉर्मली जो नए निवेशक हैं, जो नया निवेश शुरू कर रहे हैं, उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में ही फटका का एक डिक्लेरेशन आ जाता है, इंक्लूसिव है वो, क्योंकि आशुतोष जी ने ईमेल में ये तरीके से मेंशन किया है कि उनका रिजेक्ट हो गया था, तो मैं समझती हूँ कि उनका कोई पहले का निवेश होगा जिसमें उन्होंने फटका अपडेट नहीं किया है। तो अब अपडेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक सीधा साधा और आसान तरीका है ऑनलाइन, तो कैम्स या कार्वी की वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन आप फटका अपडेट कर सकते हैं। आपको आपका पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपको एक OTP आएगा। अगर आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपको OTP आएगा, आप OTP डाल के आपका फटका इमीडिएटली अपडेट हो जाएगा। नंबर दो, जैसे मैंने कहा, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऑफलाइन भी आपके कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस में या कैम्स या ऑफिस में एक फॉर्म है, वो आपको सबमिट करना है, तो आपका फटका अपडेट हो जाएगा। नॉर्मली कैम्स, कार्वी, सुंदरम, टेम्पलटन, इन जो चार तरीके के जो हमारे रजिस्ट्रार्स हैं, वहां पे आप अगर आप अपडेट कर देंगे वंस एंड यू नो फॉर ऑल, वन टाइम फॉर्मेलिटी है, तो आगे आने वाले कोई भी म्यूचुअल फंड में, मैंने कहीं पढ़ा था किसी वेबसाइट पे, किसी या तो फंड हाउस की या फिर MP की वेबसाइट पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि जितनी बार आप नया निवेश करेंगे, अगर नया फोलियो आप जनरेट कर रहे हैं और उसके तहत निवेश कर रहे हैं, तो भी आपको दोबारा से इसको डिक्लेयर करना पड़ता है? जी, जैसे मैंने कहा कि एक बार कैम्स कार्वी आपका अपडेट हो जाता है, क्योंकि वो पैन नंबर के साथ लिंक्ड है, तो उसके बाद आगे आने वाले जो भी आपके एडिशंस हैं उसमें आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वन टाइम फॉर्मेलिटी। चलिए, जैसे KYC एक वन टाइम फॉर्मेलिटी है। मुझे ये डाउट इसलिए क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैंने MP की साइट पे पढ़ा था, और मुझे लग रहा था कि अगर वहां पे लिखा है तो शायद कुछ ऐसा होगा, लेकिन आप क्योंकि हर दिन इस काम में हैं, आपको ज्यादा पता होगा आई एम श्योर। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शशि कुमार प्रजापति, रोहतास, बिहार से। शशि जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। मैडम जी, जानना कि क्या जो मेरा पोर्टफोलियो है क्या सही है? अच्छा, दूसरा सवाल है कि मैं पहले रेगुलर फंड में निवेश करता था। अच्छा, तो एडवाइजर थे, जब पोर्टफोलियो रिव्यू कराने जाते थे तो उसमें नया फंड ऐड कर दे रहे थे, वैसे करते 10-12 फंड कर दिए। ओहो, तो मैं एडवाइजर को बदल दिए हैं, अब खुद अब डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रो म्यूचुअल फंड, ग्रो ऐप से। तो क्या ग्रो ऐप के जरिए आप निवेश कर रहे हैं, तो ठीक ठाक अपना लक्ष्य सामने रखा है, क्लैरिटी है इनको, शशि जी को जानना चाहते हैं कि भाई एक तो पोर्टफोलियो कैसा है, और इनका एक बहुत ही की क्वेश्चन है,
अगर चेंज करना है तो व्हेन टू चेंज, मतलब कब करना चाहिए, क्या देखकर चेंज करें पोर्टफोलियो? जी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। शशि जी, काफी अच्छी तरीके से आपने भी सारे गोल्स को डिफाइन किया है, मेंशन नहीं किया क्या गोल है लेकिन कितनी राशि कितने समय बाद चाहिए वो आपने मेंशन किया है। क्विकली मैं आपको बता दूं, जो आपकी फर्स्ट गोल है 15 लाख की राशि चाहते हैं आप 7 साल बाद, 12,000 की SIP उस पर्टिकुलर गोल के लिए लगेगी आपको। 2 करोड़ की राशि चाहते हैं आप 30 साल बाद, समझती हूँ रिटायरमेंट के लिए, 3,000 की SIP लगेगी आपको उसके लिए। 15 लाख की राशि चाहते हैं आप 13 साल बाद, 4,000 की SIP उसके लिए लगेगी। और 20 लाख की राशि चाहते हैं आप 18 साल बाद, उसके लिए 2,500 की SIP लगेगी। आपने ऑलरेडी जो 5 से 6 म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, आपने बाजू में अमाउंट्स के साथ आपके गोल मेंशन किए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक 2 से 2,500 की SIP का टॉपअप करना जरूरी है, क्योंकि आपने सुकन्या समृद्धि भी ले रखा है तो वो काउंट करने के बाद एक 2-2,500 की SIP आप ऐड कर लें तो आप काफी सॉर्टेड है आपके गोल्स के लिए। ध्यान में रखें इन्फ्लेशन भी एक जरूरी चीज है, अगर आपने अभी ध्यान नहीं रखा है तो जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हर साल जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है तो 10 से 15% आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाए, तो वो चीज अगर अभी ध्यान नहीं रखिए तो हर साल आप अभी अगर ये 15 लाख लेके चल रहे हैं 7 साल के बाद उसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। शशि जी आप हैं हमारे साथ? जी जी। देखिए एक चीज, आपने महंगाई दर को इसमें जोड़ा है, अपने जो गोल बनाया लक्ष्य बनाया उसमें महंगाई दर को लिया है कि नहीं लिया है? महंगाई दर तो नहीं लिया है। अब देखिए होता क्या है ना शशि जी, मुझे याद है कि मैं बचपन में 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खाती थी, ठीक है, अभी 5 गोलगप्पे के लिए 20 रुपए देने पड़ते हैं, है ना, तो इसको महंगाई कहते हैं। तो अभी जो आपको लग रहा है कि 15 लाख में हो जाएगा वो शायद 15 लाख में ना हो वो लक्ष्य पूरा, तो थोड़ी रकम बढ़ानी होगी आपको लक्ष्य की, और जब रकम बढ़ाएंगे तो आपको निवेश की रकम भी बढ़ानी होगी, है ना पूजा? जी, दो चीज हो सकती है, अगर आप निवेश की रकम हाल में नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपका जो गोल है उसे थोड़ा 2 साल या 3 साल तक पोस्टपोन कर लें, तो शायद यही रकम से भी काम हो जाएगा। मतलब गोल को थोड़ा पोस्टपोन करें और पोर्टफोलियो में कुछ चेंज, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, पोर्टफोलियो में सिर्फ मैं कहूंगी HDFC मिड कैप की जगह पे DSP मिड कैप और निपोन इंडिया लार्ज कैप की जगह पे मैं कहूंगी एक ब्लू चिप फंड होना जरूरी है, जो एक्सिस ब्लू चिप फंड, बाकी सारी स्कीम्स ठीक हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था कि आप एग्जिट कब करना चाहते हैं और कब करना चाहिए, 3 से 4 रीजंस हैं जो मैं दूंगी जिस वजह से आप फंड से एग्जिट कर सकते हैं। नंबर 1, जाहिर सी बात है अगर एक पुअर परफॉर्मेंस है फंड का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर बेंचमार्क को अगर बीट नहीं कर रहा है तो टाइम है आप फंड को चेंज कर लें। दूसरा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है, जैसे हमने कुछ ही समय पहले देखा जब था वो चेंज करते हैं फंड हाउस, तो क्या वो बताते हैं अपने निवेशक को, एक कुछ जानकारी दी जाती है? मतलब आप सबको एक या दो महीने पहले एक इंटीमेशन जाता है कि अब ये फंड लार्ज कैप नहीं रहा है और अब ये मिड कैप हो रहा है, तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसको उस टाइम के लिए आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगता है, इस तरीके का आपको एक इंटीमेशन दिया जाता है। तो आपका क्या गोल है और आप वो मिड कैप में रहना चाहते हैं नहीं, वो डिसीजन आपको उस टाइम पे लेना है। नंबर 3, अगर आपका एसेट एलोकेशन आप करना चाहते हैं, मतलब अभी इक्विटी से धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद आप डेट में जाते हैं तो आपको तब एग्जिट करना है, और अगर आपके गोल्स नजदीक आ गए हैं तब आपको एग्जिट करना है। ऑलराइट, और यहाँ पर एक लाइन में डायरेक्ट के बारे में इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट में निवेश कर रहे हैं, तो जाते जाते एक लाइन में बता दें अपने दर्शकों को कि दोनों का फर्क क्या होता है, कैसे ये आपके निवेश पे या आपकी कमाई पर असर डालता है, रेगुलर और डायरेक्ट का फर्क एकदम शॉर्ट में बता दूं। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्ट फंड हाउस के साथ बाय करते हैं तो आपको सस्ते में पड़ता है, आपकी NAV थोड़ी ज्यादा होती है, और रेगुलर मतलब आपको उसमें 1% कम होती है आपकी NAV, क्योंकि उतना पोर्शन ब्रोकर्स को एज अ कमीशन जाता है। नंबर 2, यही चीज में आपको एक फायदा ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा भर रहे हैं उधर तो आपको वहां पे आपके ब्रोकर का एक एडवाइस मिल जाता है, प्रोफेशनल ब्रोकर हो या प्रोफेशनल एडवाइजर है तो आपको एडवाइस रहेगा, वो आपके साथ बना रहेगा और आपको बेचने के लिए कहीं कैसे आगे बढ़ना है उसकी सलाह देगा। विज़ाविज डायरेक्ट में आपको इस तरीके की कोई सलाह नहीं, आपको आपके खुद के दिमाग से करना है और एक्टिव रहना है। जी, जी। जो एक्टिव है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नए निवेशक हैं तो पैसिव रहना चाहते हैं तो आप एडवाइजर के थ्रू लिए।
चलिए इस पे हम एक बार जरूर डिटेल में कभी वीडियो बना शो करेंगे, क्योंकि आज वक्त थोड़ा कम है, तो हम डायरेक्ट और रेगुलर के बीच का फ़र्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको हम पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि कमाई पर कितना असर पड़ता है अगर आप डायरेक्ट लेते हैं या फिर आप रेगुलर में जाते हैं तब। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जाने के पहले आपको मैं बता दूं कि भाई आपको सवाल भेजने हैं, सवाल जैसे भी हो आप हमें बस भेज दीजिए, जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।